इन दोनों अफगानिस्तान में तालिबान का शासन चल रहा है। आपने वहाँ की तस्वीर देखी होगी किस तरह से वहाँ से लोग भाग रहे हैं। लेकिन इसी बीच बिहार में राजनीति हो रही है। कल जेडीयू के नेता गुलाम रसूल बलियावी ने कहा था कि धर्म देख करके भारत सरकार को काम नहीं करना चाहिए, सभी भारतीयों को सकुशल वतन वापस लेकर के आना चाहिए। आज हमने बात की बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल से, तो बचौल का कहना है कि धर्म के नाम पर देश पट गया, अगर लोग अभी भी सचेत नहीं रहे तो फिर से देश में बंटवारा जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल, पहले आप सुने। चाहिए और पूरे बिहार में घूमना चाहिए। जेडीयू के नेता है गुलाम रसूल बलियावी, जिनका कहना है कि अफगानिस्तान से धर्म देख करके नहीं लाना चाहिए, पूरे भारतीयों को लाना चाहिए। ये कोई बात है? धर्म के नाम पर देश बट गया, ये लोग फिर बांटेंगे। अगर भारत के लोग नहीं संभले तो भारत भी अफगानिस्तान बनेगा, तालिबान बनेगा। लोग समझ नहीं रहे हैं, वोट के चश्मे से सब कुछ को देख रहे हैं। मैं संपूर्ण भारत के जितने भी देश प्रेमी और राष्ट्रभक्त हैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो देखें अफगानिस्तान को और उससे कुछ सीख लें। जेडीयू आपकी सहयोगी है? जेडीयू हमारी सहयोगी है। गुलाम रसूल बलियावी का वक्तव्य आपने पूछा है, ठीक। थैंक यू। समस्या है उस पर भारत पे कितना असर पड़ेगा? भारत पर कुछ असर नहीं पड़ेगा, लेकिन भारत में जिन लोगों को डर लग रहा है वो अफगानिस्तान चले जाएं, वहाँ पेट्रोल डीजल भी सस्ता है, तब भारत की खूबी का पता चलेगा। यहाँ कितनी खूबियाँ हैं तब पता चलेगा। वहाँ किस तरह से माने जंगल में भी एक कानून होता है, किस तरह का राज हो गया है जहाँ न महिलाओं का अधिकार है, स्कूल कॉलेज को उड़ाया जा रहा है और लोग बदहवास हैं, हवाई जहाज के पंखुड़ियों पर बैठ करके लोगों को भागना पड़ा है और 3 आदमी गिर के इसके कारण मौत हो गई है, तो बड़ा दुखद है। सर एक सवाल और है कि कल तेजस्वी यादव राघोपुर में, तो सुना आपने हरिभूषण ठाकुर बचौल को जो साफ साफ कह रहे हैं कि जेडीयू के नेता को जवाब दिया, उनका कहना है कि देश में लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। और बचौल का ये भी कहना है कि जिन लोगों को भारत में डर लग रहा है उनको अफगानिस्तान जाना चाहिए और वहाँ पेट्रोल और डीजल के दाम भी सस्ता है। जिस तरह से लगातार जो है देश में लोग पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर के नेताओं से सवाल पूछते हैं, इसको लेकर के भी बचौल ने कहीं ना कहीं एक तरह से विवादित बयान भी दिया और कहा कि जिस लोगों को पेट्रोल और डीजल सस्ता चाहिए, जिन लोगों को भारत में डर लगता है उनको अफगानिस्तान जाना चाहिए। इन दोनों अफगानिस्तान की हालात जो है बदतर से बदतर है, वहाँ से लोग जो है लगातार पलायन कर रहे हैं, वहाँ से लोग भाग रहे हैं, इंडिया में शरण ले रहे हैं, पड़ोसी देश में जा रहे हैं। लेकिन इंडिया में जो है इसको लेकर के काफ़ी राजनीति हो रही है। बीजेपी के कई मंत्री हैं जो लगातार बयान दे रहे हैं कि सिख और हिंदू समाज के लोगों को भारत वापस लेकर के आना चाहिए, लेकिन इस पर जो है दूसरे भी दल है वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं। गुलाम रसूल बलियावी की बात कर ले जाए या हरिभूषण ठाकुर बचौल की बात कर ली जाए, ये लोग जो है ऐसी बयान दे रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि भारत से भारत में जो है सभी लोगों को लेकर के आना चाहिए और हरिभूषण ठाकुर बचौल जो है वो कह रहे हैं कि अगर देश में सचेत नहीं रहा जाए तो देश का फिर से एक बार बंटवारा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हरिभूषण ठाकुर ने विवादित बयान दिया है और जेडीयू के नेता गुलाम रसूल बलियावी को करारा जवाब दिया है। तो बने रहे हमारे साथ, आपको हम तमाम ऐसी खबरों से लगातार अपडेट रखेंगे। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो।